बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अगर कोई शख्स ख्वाब में जवान औरत को देखता है, खूबरू औरत को देखता है, बूढ़ी औरत को देखता है, या बदसूरत औरत को देखता है, या औरत ख्वाब में खुद को मर्द देखती है, या खुद का उज्व तनासुल देखती है, या जवान औरत खुद को बूढ़ी औरत देखती है, या कोई शख्स ख्वाब में अपनी औरत को किसी गैर के पास देखता है, तो इन तमाम चीज़ों की जो ताबीर है वो मैं आपकी खिदमत में पेश करता हूँ। ये एक ऐसा ख्वाब है कि जो हर किसी को आता है, हर उम्र के मर्द को आता है, और अक्सर लोग ये ख्वाब देखते हैं कि ख्वाब में वो औरतों को देखते हैं। अगर ख्वाब में कोई शख्स जवान औरत को देखता है, ख्वाब में औरत को देखना, इसकी छः वजह बयान की गई हैं कि ख्वाब में औरत को देखना छः वजह पर है: शादी, दुनिया, ऐशो राहत, माली फरहत, क़हत और आसूदगी। अगर आप ख्वाब में किसी भी औरत को देखते हैं तो इन छः चीज़ों में से कोई ना कोई उस ख्वाब की ताबीर होगी। अगर आप ख्वाब में औरतों के साथ दोस्ती करते हैं, फरमाया गया कि जो अहले दुनिया है उनके लिए माल में ज़्यादती और जो अहले इस्लाह हैं उनके लिए इलम में ज़्यादती पर दलील है। अगर ख्वाब में आप जवान औरत को देखते हैं तो ये आपके लिए माल, दुनिया और दौलत और नफ़ा हासिल करने की दलील है। और अगर आप ख्वाब में बूढ़ी औरत को देखते हैं तो ये आपके लिए दुनिया के कामों में मशगूल होने और उनमें मसरूफ़ हो जाने पर दलील है। अगर आप ख्वाब में खूबरू और ख़ूबसूरत औरत को देखते हैं तो ये आपके लिए खुशी, राहत और माली फरत पर दलील है। और अगर आप ख्वाब में बदसूरत औरत को देखते हैं तो ये आपके लिए परेशानी, आसूदगी और राहत पर दलील है। अगर आप जवान बदसूरत औरत को देखते हैं तो ये आपके लिए कम परेशानी का ख्वाब है, लेकिन अगर आप बूढ़ी और बदसूरत औरत को देखते हैं तो ये आपके लिए ज़्यादा ख़तरनाक होगा। यानी जिस कदर आप खूबसूरत औरत को ख्वाब में देखेंगे उसी कदर आपके लिए नफ़ामंद होगा, और जिस कदर आप बदसूरत को देखेंगे उसी कदर आपके लिए इसकी जो ताबीर है वो बुरी होगी। अगर आप ख्वाब में कोई औरत ये देखती है कि उसके तनासुल है जैसे मर्दों का होता है, तो उसकी दलील ये है कि उसके यहाँ फर्जंद होगा, अल्लाह ताला उसको बेटा अदा करेगा जो कौम और कबीले का सरदार होगा। अगर औरत ये देखती है ख्वाब में कि उसके उज़्वे तनासुल है और वो जमा कर रही है, तो इसकी ताबीर ये है कि उसकी जो इज्जत है वो कम होगी। अगर जवान औरत है और वो ख्वाब में अपने आप को बूढ़ी औरत देखती है तो ये उसके लिए खैर और नेकी और परहेजगारी की दलील है। अगर ख्वाब में औरत देखे कि उसने लिबास मर्दों जैसा पहना है, तो अगर तो वो औरत नेक है, पारसा है, तो उसकी नेकी और उसकी परहेजगारी में इजाफा, और अगर वो औरत फसाद वाली है, फितना परवर है, या शरीर या दुनिया के कामों में मशहूर है, तो उसके शर और फितना के बढ़ जाने पर दलील है। अगर कोई शख्स अपनी औरत को देखता है कि कोई दूसरा शख्स उस पर दस्त दराजी करता है, तो ये उसके लिए उसके जो अहल खाना है और उस औरत के जो अहल हैं, उनके जो रिश्तेदार हैं, उनको माल मिलने की दलील है। अगर कोई शख्स ये देखता है कि उसकी औरत फितना के लिए, दुनिया की ख्वाहिश के लिए, नफ्सानी ख्वाहिश के लिए किसी और मर्द के पास गई है, तो उसकी दलील ये है कि उसको उसके यहाँ बेटा होगा और अल्लाह ताला उसको इज्जत अता करेगा, उसको माल अता करेगा, और वो दुनिया का सरदार होगा और उसकी जो इज्जत है वो पहले से ज़्यादा हो जाएगी।